बीच में झगड़ा लगा सकें और उन मुद्दों पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रहती है, जिससे हिंदू मुसलमान और यहाँ की गंगा जमनी की फैब्रिक को तोड़ा जा सके। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज महंगाई है, क्या महंगाई पे बहस करनी चाहिए बीजेपी को, नहीं करनी चाहिए? आज उत्तर प्रदेश का हर नौजवान बेरोजगार और रोजगार के लिए भटक रहा है, नौकरी नहीं है, बिजली महंगी हो रही है, अस्पतालों में दवाई नहीं, अस्पतालों में इलाज नहीं, हर व्यवस्था ध्वस्त हो गई, उस समय आप इन सवालों को उठा रहे हैं आप? लेकिन इनके नेता तो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पिछली सरकारों का काम नहीं हुआ, जिसके चलते ये व्यवस्थाएं बिगड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने अगर काम न किया होता तो देश के प्रधानमंत्री हरक्यूलस हवाई जहाज से सड़क पर नहीं उतर पाते। सर, क्या लग रहा है कि बीजेपी के नेता दलाली कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? वही मैं ताज्जुब करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जब जनप्रतिनिधियों की बैठक की तो उन्होंने कहा कि दलाली बंद करो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ये आरोप मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं। अरे क्या लग रहा है, ढीला करिए, आप पकड़ ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी से कोई बात आजम खान ने आकर बोला है, क्यों नहीं रहे? आदरणीय आजम खान साहब के साथ समाजवादी पार्टी है और लगातार जो भी सहयोग, जो भी मदद हो सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लीगल या किसी भी तरह की मदद समाजवादी पार्टी करेगी। देखिए, वो कोई सवाल नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहें या संगठन बनाना चाहें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। सर, क्या लग रहा है कि जो सारे मुद्दे आपने बताया है ये 2024 में आप पूरे जोर से उठाएंगे? देखिए, ये मुझे ये याद आ रहा है कि बीजेपी के लोग कहते थे कि रुपया कितना कमजोर हो रहा है। मुझे तो लगता है बीजेपी के लोगों ने इतना रुपया कमजोर कर दिया है कि डॉलर की रफ्तार देखिए कहाँ पहुंचता चला जा रहा है। सर, सबसे ज्यादा कम हुआ है रुपया, 70 रुपए 42 पैसे हो गया। तो सोचिए, जो लोग कारोबार करते हैं उन पे क्या गुजर रही होगी, जो लोग कारोबार करते थे जिनका व्यापार डॉलर में आता उन पे क्या गुजर रही होगी। न केवल आज रुपए की हालत ये है, हमारे व्यापारियों की हालत ये है, हमारे महंगाई के कारण सोचिए घर परिवार नहीं चल पा रहे, सिलेंडर महंगा होता चला जा रहा है, डीजल पेट्रोल महंगी होती चली जा रही, सीमेंट महंगा हो जा रहा है, सरिया महंगी हो जा रही है, दालें महंगी हो जा रही हैं, आपका खाने पीने का तेल महंगा हो रहा है। आज महंगाई का सवाल नहीं हो, इसीलिए जानबूझ करके कभी ताजमहल का सवाल, कभी आपकी मस्जिद का सवाल ये बीजेपी के लोग उठाते हैं। इस देश का संविधान, इस देश का कानून फैसला करे, और स्पॉन्सर करके चलाते हैं बीजेपी के लोग, स्पॉन्सर करते हैं कि कौन झगड़ा लगा सकता है, उनको आगे बढ़ाइए।